अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई की शर्मनाक हार के बाद टूट गया चिन्नाथाला सुरेश रैना का दिल। फिर महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए रैना ने उन्हें एक ऐसी सलाह दिया जिसे सुनकर करोड़ों फैंस उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या कुछ बताया है सुरेश रैना ने, आखिर क्यों उनका बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, उनके होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और संजू सैमसन में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, राजस्थान से अपनी पहली हार का बदला लेने उतरी चेन्नई के इरादे बुलंद थे, लेकिन पहले ओवर से ही राजस्थान ने उनकी हालत पस्त करते हुए उन्हें ऐसी करारी हार का स्वाद चखाया कि चेन्नई के करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जहां राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, तो इसका पीछा करने उतरी चेन्नई के पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी, लेकिन ये लक्ष्य हासिल कर पाना किसी के बस की बात नहीं हुई। जहां महेंद्र सिंह धोनी को तो बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, दोस्तों आपको बता दें, ऋतुराज के साथ कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी थी, जहां ऋतु ने तो मौके की नजाकत को समझते हुए आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन दूसरे छोर से कॉनवे अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। वो 16 गेंद खेल गए, लेकिन दुख की बात यह है कि केवल 8 रन बना पाए, तो वहीं उनके आउट होने के बाद रहाणे भी केवल 15 रन बनाकर चलते बने, तो अंबाती रायडू तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। अपने इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद चेन्नई की जीत की उम्मीदें उनके फैंस ने खो दी थी। हालांकि ऋतुराज ने 29 गेंदों पर तूफानी 47 रन बनाकर उन्हें जिंदा रखा, तो अंत में उतरे शिवम दुबे ने केवल 33 गेंदों में ही 52 रन जड़कर चेन्नई को जीत दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंत में चेन्नई को 32 रनों से शर्मनाक हार का स्वाद झेलना पड़ा, जिसके बाद तो सुरेश रैना का भी दिल टूट गया और उन्होंने धोनी को ऐसी सलाह दे दी जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जी हां दोस्तों, रैना ने उन्हें बताया है कि चेन्नई के पास ऐसे बल्लेबाज थे जो आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर सकते थे, लेकिन उनकी पारी में ये कमी आ गई थी कि कोई बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया, रन चेस को एंकर करने वाला कोई भी बल्लेबाज मौजूद नहीं था। इस कारण चेन्नई को हार मिली, ये काम महेंद्र सिंह धोनी बखूबी करते हैं, पूरा स्टेडियम उन्हें देखने के लिए ही आया था। ऐसे में धोनी को खुद नंबर 4 पर आना चाहिए था और युवा खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि खुद के कंधों पर जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर मुकाबले का रिजल्ट हमें कुछ और देखने को मिलता। तो दोस्तों, सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने की सलाह दे दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि चेन्नई की इस हार का सबसे बड़ा विलेन कौन है, रविंद्र जडेजा, कॉनवे या फिर कोई और, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।